So let's see our next question. A rectangular sheet of tin 45 cm by 24 cm is to be made into a box without top by cutting off squares from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the squares to be cut off so that the volume of the box is as maximum possible? Okay, so यहाँ पे हमारे पास जिक्र हो रहा है एक rectangular sheet का. Let's suppose हमने यहाँ पे एक rectangular sheet को draw कर लिया. मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और सवाल ने आपसे कहा है कि इस रेक्टेंगुलर शीट के कॉर्नर से आप लोगों ने स्क्वायर्स को कटअप किया है. ओके, लेट सपोज आप लोगों ने यहाँ से एक स्क्वायर कटअप कर लिया. आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं ऐसे भी. आप एक पेपर ले सकते हैं अपनी कॉपी का एंड देन उसके साइड से आप लोग इक्वल लेंथ के स्क्वायर्स को यहाँ से कटअप करके देखिएगा और फिर उस पेपर को आप निकाल के फेंक दीजिएगा. जो आपके पास पेपर कट करके आएगा, जो आपने साइड साइड से निकाला उसको फेंक दीजिएगा आप लोग और फिर आप लोग इस पेपर को फोल्ड कर लीजिएगा. ठीक है, आपको ये पोर्शन काट देना है एंड आपको ये पोर्शन भी काट देना है. आपको ये पोर्शन काट देना है एंड आप लोगों को ये पोर्शन भी काट देना है. ओके, फिर आप लोगों को इसे फोल्ड करना है. आप देखेंगे जब आप इसको फोल्ड कर देंगे तो आप लोगों के पास एक बॉक्स बन जाएगा आप लोगों के पास, जिसके टॉप नहीं होगा. आपको ऑब्वियसली टॉप उसके पास नहीं होगा, लेकिन एक बॉक्स बन जाएगा आपके पास. बॉक्स आपके पास क्यूबॉइडल शेप में आएगा, नो डाउट. ओके, सो ये बॉक्स आपके पास क्यूबॉइडल शेप में आएगा. ऑल राइट, नाउ एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा. ये रेक्टेंगुलर शीट आप लोगों के पास थी 45 सेंटीमीटर्स की और इसकी विड्थ हमारे पास, लेंथ मान लीजिए, विड्थ कुछ भी मान लीजिए आप लोग, ये आपके पास थे 24 सेंटीमीटर की. ओके, नाउ लेट सपोज आप लोगों ने यहाँ से एक्स सेंटीमीटर्स के स्क्वायर्स को निकाल के फेंक दिया है मान लीजिए. ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपके पास अब कितना लेंथ रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे. आप अगर इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप लोगों के पास यहाँ पर बच जाएगा, या अगर पूरा 45 था, आपने यहाँ से भी x निकाला है और आप लोगों ने यहाँ से भी अगर x निकाला है तो अल्टीमेटली आपको यहाँ मिल जाएगा 45 माइनस में 2x सेंटीमीटर्स, यानी कि उस बॉक्स की जो हमारे पास लेंथ होगी वो हमारे पास होगी 45 माइनस में 2x. सिमिलरली अगर ये पूरा आपके पास 24 था और अगर आप लोगों ने यहाँ से x को निकाल दिया और यहाँ से भी आप लोगों ने x को निकाल दिया है तो ये लेंथ जो आपके पास बचेगी वो आपके पास बच जाएगी अब 24 माइनस में 2x. सो अल्टीमेटली जो आपके पास क्यूबॉइडल शेप का बॉक्स बनेगा जिसका पास टॉप नहीं होगा, उसमें आपके पास लेंथ जो होगी वो हो जाएगी 45 माइनस में 2x, ब्रेथ जो आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी 24 माइनस में 2x एंड जो आपके पास इसकी हाइट होगी, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसकी जब बॉक्स को बनाएंगे तो हाइट आपके पास एक्चुअल में ये x वाली आएगी. अब देखिएगा जब ये फ्लैप ऊपर आएगा इसके तो एक्चुअल में इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट एक्चुअल में ये x सेंटीमीटर्स की होगी. ओके, तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं अगर आप पेपर एक अपनी कॉपी से निकाल लेंगे और फिर आप लोग ऐसे ही स्क्वायर्स को चॉप ऑफ कर देंगे साइड से, तो जो आपके पास बॉक्स बनेगा, देखिएगा ध्यान से, जितना आप लोगों ने यहाँ पे चॉप ऑफ किया है वही एक्चुअल में उस बॉक्स की आप लोगों की डेप्थ बोली चाहे हाइट बोली बात बराबर होगी. ओके, सो हाइट क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, x सेंटीमीटर्स की हो जाएगी. ओके, सो ये था इस डायग्राम को विजुलाइज करने का तरीका. अब देखते हैं हम लोग इस सवाल को एक्चुअल में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. ऑल राइट, सो देखिए मैंने यहाँ पे क्या काम किया है. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है उस रेक्टेंगुलर शीट का जिसकी लेंथ हमारे पास है 45, ब्रेथ हमारे पास है 24 एंड देन मैंने साइड से यहाँ से x सेंटीमीटर्स के स्क्वायर्स चॉप ऑफ कर लिया और इसको फोल्ड कर लिया है. ओके, सो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि लेट द स्क्वायर्स ऑफ द साइड x सेंटीमीटर्स आर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स. ओके, नाउ हमें यहाँ पे बात करनी है वॉल्यूम की, बिकॉज हमें यहाँ पे वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है. वॉल्यूम इज मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ लिखा हुआ है. ओके, सो हम लोग एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम के लिए एक नाम. तो हमने बोला यहाँ पे लेट कैपिटल वी बी दी वॉल्यूम ऑफ दी बॉक्स सो फॉर्म्ड. जो हमारे पास बॉक्स बना है अभी, हमने एज्यूम कर लिया कि उसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है कैपिटल वी. तो आपको पता है कि ये आपके पास एक क्यूबॉइडल शेप बनेगी. ओके, सो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास. सो वो होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. मैंने आपको बता दिया था कि ये लेंथ आपके पास होगी 45 माइनस में 2x, ये आपके पास होगा 24 माइनस में 2x और हाइट इसके पास, या फिर डेप्थ आप बोल सकते हैं, वो आपके पास होगी इसके अंदर x. ओके, सो हम इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. तो वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा लेंथ यानी कि 45 माइनस में 2x एंड देन ब्रेथ आपके पास हो जाएगा 24 माइनस में 2x
एंड आपके पास जो हाइट हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी आप लोगों के पास एक्स। नाउ आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्सपैंड कर लें, बिकॉज आप लोगों को नेसेसरी लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट टूल। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ ऑप्टेन होकर आएगी। सो जब मैं इस सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 4x³। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, माइनस में 138x² एंड देन प्लस में आपके पास आएगा 1080x। ओके, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपके पास यही क्यूबिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन आएगी, इसके अंदर आपके पास कांस्टेंट नंबर नहीं होगी। ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट करना वैसे इजी है। ओके, सो मैं यहाँ देखिए क्या फाइंड करता हूँ, मैं यहाँ फाइंड करता हूँ नाउ, आप लोग अगर फाइंड करेंगे यहाँ पे dv ओवर dx, बिकॉज आपके पास वेरिएबल जो है यहाँ पे वो है आप लोगों के पास x, तो वो आपके पास आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन ये आपके पास हो जाएगा माइनस में 138 का दोगुना करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 276, आई गेस 276x एंड प्लस में आपके पास आएगा 10 एंड देन 80। ओके, नाउ dv ओवर dx तो आप लोगों ने निकाल लिया। आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करेंगे, आप कर देंगे यहाँ पे पुट dv ओवर dx को इक्वल टू 0, देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 12x² एंड देन माइनस में 276x एंड देन प्लस में 1080 इक्वल्स टू 0। आप लोगों को यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं तो क्यों ना हम यहाँ से 12 कॉमन ले लें। आप इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने आप, आपको करना आता है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। यहाँ पे 12 आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा, देन ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस में 18 एंड एक फैक्टर आपके पास आएगा एक्स माइनस में 5 इक्वल्स टू 0। आप इसको प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ से आपके पास हैं तीन फैक्टर्स, 12, एक्स माइनस 18 और एक्स माइनस 5। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास x की वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी आपके पास 18 और वॉट 5 ओनली। ओके, नाउ आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास इन क्रिटिकल पॉइंट्स में से कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स वैलिड हैं। ओके, तो आप कैसे चेक करेंगे, जो भी आपके पास कंडीशंस गिवन थी उनका आप इस्तेमाल कीजिएगा और देखिएगा किस पॉइंट को आप लोग रिजेक्ट कर सकते हैं और किसको आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग, अगर x इक्वल टू आपके पास 18 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर x इक्वल टू आपके पास 18 हो जाएगा देन ये वाली साइड आपकी मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं होगी, बिकॉज 24 माइनस में 2 इंटू 18 आपके पास हो जाएगा 36, 24 माइनस 36 तो आपके पास माइनस 8 आएगा। इसका मतलब आप लोग कभी भी इसको तो माइनस, इसको यहाँ 24 से आप लोग 18 18 के दो साइड्स तो माइनस कर ही नहीं सकते। ओके, समझ रहे हैं आप लोग इस बात को, तो आप लिख देंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू 5 सिर्फ आप लोगों का रिक्वायर्ड क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज एक्स इक्वल टू 18 इज नॉट पॉसिबल आपके लिए होगा। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप लोग x इक्वल टू 18 ले लेंगे तो ये साइड आप लोगों की एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, 24 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ x करने पे आपके पास नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी, इसलिए x इक्वल टू 18 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट जब आपके पास मल्टीपल आते हैं देन आप लोगों को चेक करना होता है कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और किसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट काम है अभी यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना, तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं नाउ d2v ओवर dx². सो ये हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 24x एंड देन माइनस में ओनली 276, बाकी हो जाएगा 0, तो उसको आप लोग मत लिखिएगा। हमें मतलब होता है क्रिटिकल डबल डेरिवेटिव को निकालने से क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना होता है हमें, सो हम लोग करेंगे यहाँ पे d2v ओवर dx² एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 5 के लिए। ऑल राइट, नाउ देखिए हम इसको चेक करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा ये 24 इंटू में 5 एंड माइनस में आपके पास आएगा 276। आपको पता है 24 इंटू 5 करने पे आपको मिलेगा 120, माइनस में आपके पास आएगा 276 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 50 एंड 56, 156 जो कि आपके पास है नेगेटिव में, बिकॉज माइनस का साइन यहाँ बड़ा था, जो कि हो जाएगा आपका लेस देन 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफोर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट the volume of the box is maximum when x is equals to 5. x equals to 5 का मतलब क्या है, जब हम लोग स्क्वेयर्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर हर कोने से काटेंगे तब इसका वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम इससे भी लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस the volume of the box
वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। आपको सवाल पढ़ना है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वेयर्स टू बी कट ऑफ लिखा हुआ है। ओके, तो हम बोलेंगे हेंस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन स्क्वेयर्स ऑफ साइड्स एक्स, सॉरी एक्स नहीं, फाइव आया था हमारे पास। ओके, 5 सेंटीमीटर आर टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। ओके, सो देखिए हमने इस सवाल को भी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके आराम से प्रूफ कर दिया कि हमारे पास क्या साइड का अगर हम स्क्वायर काटेंगे यहाँ से तो जो बॉक्स बनेगा उसकी हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो देखिए आप लोगों को हिड एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा और आप लोगों को सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ देखनी पड़ेगी, जो कि आपके लिए कभी भी सजेस्टेड तरीका नहीं होता। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके,